लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। लॉकडाउन की मुश्किलों के बीच जरूरतमंद नागरिकों को मदद का हाथ बढ़ाते हुए आज कांग्रेस नेता और अल्पसंख्यक सेल के नईम्बे जिला अध्यक्ष अनवर हवलदार ने नेरुल प्रभाग 92 में खाद्यान्न वितरण किया। इस अवसर पर कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल नेरुल के तालुका अध्यक्ष मुश्ताक काजी, वार्ड अध्यक्ष नसीम अनवर हवलदार समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिनके हाथों यहां के सैकड़ों नागरिकों को राशन किट बांटी गई। कांग्रेस नेता अनवर हवलदार ने कहा कि आज कोरोना और लॉकडाउन के कारण हर कोई आर्थिक संकट में है, ऐसे दौर में राशन किट का वितरण उन्हें राहत देने की एक छोटी सी कोशिश है। देखिए रिपोर्ट। लॉकडाउन की आर्थिक तंगी के बीच कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के नवीबे जिला अध्यक्ष अनवर हवलदार ने आज जनसेवा की अच्छी मिसाल पेश करते हुए सैकड़ों जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण किया। इस अवसर पर प्रभाग 92 की वार्ड अध्यक्ष नसीम अनवर हवलदार, अल्पसंख्यक सेल के तालुका अध्यक्ष मुश्ताक काजी खास तौर पर मौजूद रहे, जिनके हाथों यहाँ के नागरिकों को खाद्यान्न किट बांटी गई। कांग्रेस नेता अनवर हवलदार ने कहा कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से काम धंधा ठप है और नौकरियां चली गई हैं। मुसीबत भरे दौर से गुजर रहे ऐसे आम जनों को हम लगातार राशन किट बांटते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक के सहयोग से यह मदद अभियान चलाकर लोगों को राहत देने की कोशिश में जुटे हैं। इस धन्यवाद का हमारा ये छठवां टप्पा है। इससे पहले हमने 5 बार ऑलरेडी अनाज जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग समय के ऊपर, जब से ये कोविड की महामारी शुरू हुई है, गरीबों के अंदर हम लोग अनाज धान्यवाटप जो है करते आए। आज का जो धान्यवाटप का ये प्रोग्राम है छोटा सा, ये हमने हमारे नई मुंबई जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कौशिक जी, इनके सहयोग से, इनके सहकारी से आज का ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर किया है। 100 लोगों को आज यहाँ पर हमने खाने के पैकेट दिए हैं। 4 लोगों के फैमिली के लिए ये कम से कम एक महीने तक के ये अनाज चलेगा, और इससे आगे भी हम लोग इस तरह से अनाज का जो है धान्यवाटप करने का काम करते रहेंगे। वहीं कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ का नारा साकार करने में जुटी युवा समाज सेविका नसीम अनवर हवलदार ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के कारण लोग आर्थिक संकट में हैं, उन्हें मदद करने के लिहाज से लगातार ऐसे मदद अभियान चलाए जा रहे हैं जो आगे भी जारी रहेंगे। जैसे कि सब जानते हैं, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, खाने की भी प्रॉब्लम बहुत सारी हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम था, उससे मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को थोड़ी हेल्प हो गई होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम ऐसी हेल्प कर सकें। एंड मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और मैं लोगों की मदद कर पा रही हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि वो ऐसे काम कर रहे हैं, हमें भी मौका दे रहे हैं कि हम लोगों की मदद कर सके, और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे ही लोगों की हेल्प कर सके और लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करें, बस यही उम्मीद है। इस अवसर पर खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारी और नागरिकों ने भी कांग्रेस नेता अनवर हवलदार और युवा समाज सेविका नसीम हवलदार के जनसेवी कार्यक्रमों की सराहना की और उनकी मदद के लिए आभार जताया। लोगों को ये आज जो हम दे रहे हैं, ये हमारा ये देने का ये छठा टप्पा है। इसके पहले भी हम लोग ने कोरोना के टाइम पे भी लोगों को 5 बार पहले अनाज दे चुके हैं, ताकि और लोगों को, कई लोगों को रास्ते में जो खाना है वो खाना भी हम लोगों ने दिया है, या ऑफिस में भी हम लोग रोज़ खाना यहाँ पे लोगों को देते थे, और काफ़ी सारी मेहनत हमारे अनवर सर जो है वो कर रहे हैं, उनके साथ में
एक हमारे नए जो उम्मीदवार है जो अभी आने वाले चुनाव के लिए उनकी तरफ देखा जाता है, नसीम हवालदार जो हमारे अनवल हवालदार सर की लड़की है, तो उनको भी हम उनके उनका भी एक नेतृत्व अभी हमको अच्छा मिला है। तो इन सबके नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, और आने वाले इलेक्शन में भी हम जो है इनको इनको लड़ाने की हमारी पूरी कोशिश है। और ये जो कोरोना काल में इन्होंने काफ़ी सारी मेहनत की है, कभी हॉस्पिटल में भागना करना, जो भी लोगों को कहाँ से भी रात को 12-1 बजे भी फ़ोन आता है तो हमारे अनवर सर जो है वो उठ के उनके लिए उनकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। वो अनवर भाई ये प्रोग्राम करते रहते हैं, ये लोगों को अनाज देना, और लॉकडाउन में भी बहुत काम किए हैं, और उन्होंने अपने लड़की को भी अभी ये कांग्रेस में ज्वाइन किया है, और माशाल्लाह मेरे को उम्मीद है पूरी कि ये भी बहुत कार्यकर्ता अच्छी है और काम करेगी, और लोगों में हमारा अच्छा परिणाम जा रहा है कांग्रेस पार्टी का भी, और मैं कांग्रेस पार्टी को भी धन्यवाद देता हूँ। और आगे जो इलेक्शन आने वाला है उसमें हमने ये बच्ची को ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े करते हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हमको पूरी उम्मीद है कि हमको आवाम हमारी ये जीता के देंगे। तो मुझे बहुत गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ी हूँ अनवर भाई के साथ। अनवर भाई बहुत काम कर रहे हैं, राशन भी बांट रहे हैं और अनाज भी दे रहे हैं और लोगों को खाना भी दे रहे हैं बहुत दिनों से। अभी उनकी बेटी भी उनके साथ जुड़ी है, हम चाहते हैं उनकी बेटी भी हमारे साथ जुड़ के बहुत काम करे, और न्यू जनरेशन की लड़की है, इंशाल्लाह बहुत काम करेगी, उसको भी बहुत शौक है लोगों को मदद करना, हेल्प करना। अनवर भाई भी बहुत हेल्प करते, हमको बहुत खुशी है अनवर भाई के साथ जुड़ के। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।